अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खुश हो, मज़े में हो और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही हो। तो आज है सैटरडे का दिन और अभी शाम के 5 बजे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली सुबह हम लोग काफ़ी लेट उठे थे, उसके बाद नाश्ता भी काफ़ी लेट किया, लाइक अराउंड 12:30, और उसके बाद फिर लंच टाइम पे हमें बिल्कुल भी भूख नहीं थी, सो लंच हमने स्किप कर दिया था। लेकिन अभी 5:30 बजे में बहुत भूख लगी हुई थी मुझे भी और हस्बैंड को भी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ क्विक सा बना लेती हूँ जो जल्दी से भी बन जाए और मज़े का भी हो। तो बस मैंने फ्रीज़र खोला और फ्रीज़र में मेरे पास सीख कबाब पड़े थे और फ्रोज़न पराठे पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सीख कबाब रोल पराठे बना लूं। और अक्सर मैं बनाती रहती हूं, बहुत मज़े के बनते हैं। मज़े की बात ये कि जल्दी भी रेडी हो जाते हैं, हार्डली 10 मिनट्स में ये सीख कबाब रोल पराठे रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मैं फ्रोज़न पराठे यूज़ कर रही हूँ और उसके अलावा जो सीख कबाब हैं वो भी प्री कुक्ड होते हैं, सो इट हार्डली टेक्स 10 मिनट। तो बस मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसमें मैंने सीख कबाब ऐड कर दिए थे और इनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई किया था। साथ में मैंने जल्दी जल्दी से अनियंस कट कर लिए थे और मैं इस तरह से करती हूँ कि जब सीख कबाब ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं तो उनमें मैं अनियंस ऐड करके थोड़ा सा अनियन को फ्राई कर लेती हूँ फॉर हार्डली 1 मिनट। और इससे यह है कि अनियंस बिल्कुल, जो अनियंस की कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्रंच रहता है उसी तरह से लेकिन कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस एक स्टोव पे मैंने सीख कबाब रख दिए हैं और दूसरे पे मैं जल्दी जल्दी से पराठे फ्राई कर रही हूँ, और आई मेक श्योर कि मेरे फ्रीज़र में ज़रूर कुछ ना कुछ हो ताकि कभी अगर इमरजेंसी हो और कुछ समझ में ना आ रहा हो या बहुत जल्दी कुछ बनाना हो तो मैं बना सकूं। एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, रोल पराठे। इवन कभी चपली कबाब पड़े हों तो मैं उससे भी बना लेती हूँ, काफ्ता कबाब जो भी अवेलेबल होते हैं उनके साथ बना लेती हूँ, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। सो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपकी कोई ऐसी डिशेज़ हैं जो आप विद इन 5 to 10 मिनट्स आप रेडी कर लेते हो, तो ज़रूर मेरे साथ कॉमेंट्स में शेयर करिएगा, बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे। तो खैर मैंने जो है वो क्विक सी एक सॉस भी बना ली थी, जाहिर है रोल पराठों में सॉस होना मस्ट है, उसी से टेस्ट आता है। तो बस मैंने सिंपली मेयोनीज़ ले लिया था और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था चिली गार्लिक सॉस और बस मिक्स किया था, तो ये मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई थी। तो बस मैं अब पराठों को असेंबल कर रही हूँ, सबसे पहले मैं सॉस लगा दूँगी और उसके बाद मैंने इस पर अनियंस डाल दिए हैं और बस कबाब रखूँगी, फोल्ड करूँगी और फिर बस हम इंजॉय करेंगे ये मज़ेदार से रोल पराठे। केक, वाओ। एंड शो मी दिस वन, नो दिस वन, दिस इज चॉकलेट केक, कैन यू शो मी हाउ इट लुक्स लाइक, इट इज लाइक इट कपकेक, यस शो मी, ओ दिस स्पाइडरमैन, ओके बाबा स्पाइडरमैन है, मैं अब आप अपने ठीक है कप केक्स खा लो, अब अपने ठीक है। आप ब्रश करोगी इसके साथ? यू लाइक योर ब्रश? यू लाइक योर ब्रश? ये क्या है मीरू? व्हाट इज दिस? इट्स अ कपकेक। इट्स अ कपकेक, ओके। इट्स अ कोकोनट कपकेक। एंड व्हिच कपकेक इज दिस? दिखाओ। ये तो आपका ब्रश है, इट्स सच अ प्रीटी ब्रश, दिखाओ मुझे, दिखाओ मैं देख लूँ एक सेकेंड, वाओ ये तो ब्रश है और इसके साथ में स्पाइडरमैन भी है,
कि मीरू को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है ना। वाओ, इट्स वेरी नाइस। स्पाइडरमैन से। ओके, थैंक यू। इट्स स्पाइडरमैन। इट्स स्पाइडरमैन। यम्मी। इज इट यम्मी? हम्म। यू लाइक इट? इस्लामाबाद का मौसम बहुत प्यारा था इस दिन, और मज़े की बात यह कि इस वीक में 3 बार रेनबोज निकली। आपने मेरी पिछली व्लॉग अगर देखी हो तो उसमें भी मैंने दिखाया था रेनबो निकली हुई थी, और थर्सडे को भी रेनबो निकली थी, और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं रेनबो को देख के। अभी हालांकि हम लोग बड़े हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ था। दोपहर में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बस शाम में एकदम से मौसम चेंज हुआ और हवाएं चली और बहुत सारे बादल आ गए और बहुत बारिश हुई, मतलब खूब बारिश हुई। तो बस बहुत प्लेजेंट हो गया माशाल्लाह मौसम। और अभी हो गया डिनर का टाइम, और आज मैं डिनर में बना रही हूँ चिकन टिक्का मैक्रोनी। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत डिफरेंट बनती है जो यूजुअली हम मैक्रोनी बनाते हैं उससे, और देसी टेस्ट बर्ड्स के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है। सो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। तो पैन में मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाला था, और उसमें मैंने गार्लिक को सौते कर लिया था, और बस हल्का सा उसका कलर चेंज हुआ तो साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दी है चिकन। ये मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, और अब मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ गार्लिक के साथ। चिकन को मैंने 2-3 मिनट के लिए फ्राई किया था, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर शान का लिया है। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड कर दिया था सोया सॉस और वाइट विनेगर, और ये तमाम चीज़ें डाल के मैं अगेन इसको मिक्स करूँगी। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाती रहूँगी ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और ये जो मैक्रोनी की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, ये भी बहुत क्विक और झटपट बन जाने वाली है, और इसका फ्लेवर भी बड़ा डिफरेंट होता है जो हम रेगुलर मैक्रोनी बनाते हैं उससे। तो आप लोग इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप टोमेटोज़। मैंने 3 टोमेटोज़ ले लिए थे, उनको रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है, और बस हल्का सा स्टर करके मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट मैंने कवर करके कुक किया था, और टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, और आप देखें ये ऑयल जो है सरफेस पे आ गया, दैट मींस कि अब अच्छे से चिकन फ्राई हो चुकी है। और बस अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी वेजिटेबल्स, जिसमें मैं यहाँ पर डाइस्ड कैप्सिकम इसमें डाल रही हूँ, और साथ ही मैंने इसमें डाइस्ड अनियंस डाल दिए हैं, और अगेन मैं अब थोड़ा सा स्टर करूँगी। वेजिटेबल्स को मैंने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया था, इनको बस हार्डली 2-3 मिनट के लिए मैंने पकाया था चिकन के साथ। और अब इसमें मैं डाल दूँगी लास्ट के 2 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले इसमें जाएगा केचप, और उसके बाद मेनीज ऐड करूँगी। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद भी मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और दूसरे स्टोव के ऊपर मैंने ऑलरेडी मैक्रोनी जो है वो बॉयल होने के लिए रखी हुई है। मैक्रोनी आप पैकेज इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कुक कर लें, वो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, और मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो जाती है। तो बस बॉयल करके आप उसको स्ट्रेन कर लें, और थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दें, उससे यह है कि आपस में स्टिक नहीं करेगी। तो यहाँ पर सॉसी सी चिकन एंड वेजिटेबल ग्रेवी रेडी हो गई है, और बस अब इसमें मैं अपनी बॉयल्ड मैक्रोनी ऐड कर दूँगी, और फिर अच्छी तरह से इसको टॉस कर लूँगी मसाले के साथ।
तो ये हमारी यमी सी चिकन टिक्का मैक्रोनी रेडी हो जाएगी। और रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है, डिफरेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। मुझे इन दिनों काफ़ी DMs आ रहे हैं कि मैं अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसका रिव्यू करूं। 2-3 ब्लॉग्स में आई थिंक थोड़ी सी फुटेज थी, तो मेरी ब्लॉग्स पे भी मुझे कमेंट्स आए, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने DM भी किया है कि आप जो है उसका डिटेल से रिव्यू शेयर करें। और इसके अलावा स्प्रे मॉप के लिए मुझे काफ़ी अरसे से DMs आ रहे हैं, बहुत सारे लोग क्यूरियस थे जानने के लिए कि अच्छी प्रोडक्ट ये है या नहीं है, यूज़फुल है या नहीं है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत जल्द उसका रिव्यू पोस्ट करूँ। वो वैसे भी पाइपलाइन में था, लेकिन बस मैं लेज़ी हो गई, टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तो बस मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बट इंशाल्लाह उसका रिव्यू मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। बाकी वॉशिंग मशीन के बारे में अभी आई कांट से एनीथिंग, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह उसका भी मैं रिव्यू कर दूँगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग आजकल बेकिंग की रेसिपीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे चैनल के ऊपर जो है वो बेकिंग की रेसिपीज़ भी हों, डिज़र्ट्स भी हों, डिनर रेसिपीज़ भी हों। सो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, और वेट लॉस की रेसिपीज़ की भी रिक्वेस्ट आ रही थी तो वो भी शेयर करूँगी। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इन टच रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।